आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में काफी कम समय, काफी कम दिन बचे, कुल मिला करें अब यहाँ पर 31 मार्च से हमें आईपीएल की शुरुआत देखने को मिली। और आईपीएल 2023 के एडिशन से पहले अब यहाँ पर चार खिलाड़ी यहाँ पर बिक चुके, कुल मिलाकर चार खिलाड़ी जो कि ऑक्शन में सोल्ड रहे थे वो खिलाड़ी अब बिक चुके और आईपीएल 2023 के एडिशन में यहाँ पर कम बैक कर चुके। मैं इस वीडियो में आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन से खिलाड़ी आखिर ऑक्शन के बाद और आईपीएल से पहले बिक कर आईपीएल में कम बैक कर चुके, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताइएगा। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उन चार खिलाड़ियों की जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ये खिलाड़ी बिक चुके, आईपीएल टीमों में ये एंट्री ले चुके। दिन में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है संदीप शर्मा का। दरअसल संदीप शर्मा जो कि 50 लाख की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे लेकिन कल मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियली इनको साइन कर लिया, अब ये बिक चुके। तो ऑक्शन में अनसोल्ड जाने के बाद भी अब ये आईपीएल में बिक चुके और मुंबई इंडियंस की टीम में कमबैक कर चुके, तो कुल मिलाकर अब 50 लाख में ये मुंबई इंडियंस में आ चुके और जसप्रीत बुमराह को ये रिप्लेस कर चुके। तो जसप्रीत बुमराह की जगह अब यहां पर संदीप शर्मा आईपीएल 2023 के एडिशन में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है लवनीत सिसोदिया का। दरअसल लवनीत सिसोदिया यहां पर पिछले साल अनसोल्ड रहे थे, इस साल भी अनसोल्ड रहे थे लेकिन इस साल इनकी किस्मत काफी अच्छी चमक चुकी है। कुल मिलाकर 20 लाख में अनसोल्ड रहे थे, 20 लाख इनको दिल्ली कैपिटल्स से यहां पर मिल चुके। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने ऋषभ पंत जगह यहाँ पर इनको खरीद कर अपनी टीम में यहाँ पर साइन कर लिया, तो बीसीसीआई को दिल्ली कैपिटल्स ने इनका नाम सबमिट कर दिया। ये ऑफिशियल हो चुका है कि लवनीत सिसोदिया अब पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे प्लेयर की, तो इसके बाद नाम आता है वरुण अरुण का। दरअसल वरुण अरुण 50 लाख की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे पिछले साल, ये राजस्थान का भाग थे, इस साल ही अनसोल्ड रहे थे लेकिन अब यहाँ पर काफी बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा से इनका कमबैक हो चुका और राजस्थान यानी अपनी फॉर्मर टीम में इनका कमबैक हो चुका। आईपीएल 2023 के एडिशन में राजस्थान के लिए खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि अपनी यहाँ पर इंजरी के चलते और सर्जरी के चलते आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर राजस्थान की टीम में वरुण अरुण की एंट्री हो चुकी है आईपीएल से पहले, अब ये भी सोल्ड आउट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्लेयर की यानी चौथे और आखिरी प्लेयर की, तो चौथे नंबर पर नाम आता है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कोडजी का। दरअसल साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कोडजी जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे 50 लाख की बेस प्राइस के साथ ये अनसोल्ड रहे थे, ये भी बिक चुके हैं। चेन्नई की टीम ने काइल जेमिसन की जगह इनको साइन कर लिया। पहले खबरें थी कि दक्षिण शनका जिमी निशम को चेन्नई की टीम साइन कर रही है लेकिन चेन्नई ने दक्षिण शनका जिमी निशम को अपनी टीम में रिजर्व पे रखा है लेकिन कोडजी को काइल जेमिसन की जगह अपनी टीम में साइन किया। तो कोडजी आईपीएल 2023 के एडिशन में चेन्नई का भाग रहेंगे। चेन्नई ने केवल 50 लाख में इनको यहाँ पर अपनी टीम में यहाँ पर साइन कर लिया, तो कुल मिलाकर ये चार खिलाड़ी आईपीएल से पहले बिक चुके और बाकी यहाँ पर अब जल्द ही और भी खिलाड़ी यहाँ पर बिक कर रिप्लेसमेंट के तौर पर आईपीएल में आएंगे। उन खिलाड़ियों की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट करके बताइए आईपीएल 2023 के एडिशन में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी टीम इस साल आईपीएल जीत रही है, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।